राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं सोमवार व्रत का महत्व, पूजन विधि तथा उद्यापन विधि। सोमवार का व्रत भगवान शिव के लिए रखा जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माने जाते हैं। लय और प्रलय भी उनके अधीन हैं। ऐसे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूरी आस्था भक्ति से उपासना करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत के महत्व से। अग्नि पुराण के अनुसार चित्र नक्षत्र युक्त सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 7 सोमवार व्रत करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करने से मनवांछित वर प्राप्त होता है और ये व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायक और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव और विधि विधान से भगवान शिव के व्रत को संपूर्ण करता है उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत पूजन विधि। सोमवार व्रत को प्रारंभ करने का सबसे अच्छा समय श्रावण माह माना गया है, लेकिन यदि संभव ना हो तो चैत्र, बैसाख और कार्तिक महीने में भी आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के पहले दिन व्रतधारी को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और स्नान के पूर्व शरीर पर काले तिल का तेल अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव जी के पूजन में सबसे पहले भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान करा के उन्हें चंदन लगाकर पुष्प अर्पित करना चाहिए और उसके बाद धूप दीप आदि जलाकर शिव प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। पूजा के दौरान नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ओम का प्रयोग ना करें, अन्यथा ये 6 वर्ण का हो जाएगा। मंत्र उच्चारण के बाद फूल और फल आदि भगवान शिव को समर्पित करिए। इसके पश्चात सोमवार व्रत कथा सुनिए और कथा संपूर्ण होने के बाद आरती की जाती है भगवान शिव की। पूजा संपूर्ण होने के बाद सभी में प्रसाद का वितरण करें और इस प्रकार पूजन करने के पश्चात पूरे दिन व्रत रखें। सायंकाल में पूजा के बाद एक समय का भोजन कर व्रत का पारण किया जा सकता है। इसी प्रकार पूरे 16 सोमवार तक इस विधि को अपनाते रहें तो इससे भगवान शिव आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगे। सोमवार व्रत का उद्यापन। सोमवार व्रत का उद्यापन सामान्यतया उसी महीने में किया जाता है जिस महीने से व्रत को प्रारंभ किया गया हो, या फिर व्रत शुरू करने से पहले आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है उतना पूर्ण होने पर, या फिर मनोवांछित इच्छा पूरी होने पर सोमवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। सोमवार व्रत के उद्यापन के लिए श्रावण माह का पहला और तीसरा सोमवार श्रेष्ठ माना गया है और सोमवार के उद्यापन के लिए ही सावन, कार्तिक, बैसाख, ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष के सभी सोमवारों को उत्तम माना गया है। व्रत के उद्यापन में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के साथ ही साथ चंद्रमा का पूजन भी किया जाता है। व्रत के उद्यापन की जो विधि होती है वह कुछ इस प्रकार है। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें यदि संभव है तो। पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और पूजा स्थल पर केले के 4 खंभे के द्वारा चौकोर मंडप बनाएं। चारों ओर से फूल तथा आम के पत्तों का वंदनवार सजाएं। पूजा स्थल पर सभी सामग्री को रखकर पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद चौकी या लकड़ी के पटरे को मंडप के बीच में रखें और चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान शिव व माता पार्वती के विग्रह को स्थापित करें और उसी चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा को भी स्थापित करें। इसके पश्चात पवित्रीकरण किया जाता है और उसके लिए आप स्वयं को, पूजन सामग्री को और आसन को पवित्र करेंगे जल छिड़क करके। इसके पश्चात आचमन किया जाता है। आचमन के लिए पुष्प से एक एक करके 3 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलते जाइए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः।
फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए अपने हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। इस विधि से साधक पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। इसके पश्चात गणपति पूजन किया जाता है और इसमें सबसे पहले गणपति का पंचोपचार विधि से पूजन करें। यदि गणपति की मूर्ति उपलब्ध ना हो तो सुपारी पर मौली लपेटकर गणपति जी बना भी सकते हैं आप। इसके पश्चात हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर के व्रत के उद्यापन का संकल्प करें और संकल्प के पश्चात हाथ की सभी सामग्री को भगवान शिव और माता पार्वती के पास अर्पित कर दें। इसके पश्चात भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान और आवाहन करें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के। इसके पश्चात उन्हें आसन दें, उनके पाद प्रक्षालन करें। पाद प्रक्षालन करने के बाद उन्हें अर्घ्य दें, आचमन करें। आचमन के बाद पंचामृत स्नान करवाएं और पंचामृत स्नान के बाद गंगा जल से शुद्धोदक स्नान करवाएं। शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद भगवान शिव को यज्ञोपवीत व माता पार्वती को उपवस्त्र अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव व माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें, उन्हें अक्षत और चंदन चढ़ाएं। इसके पश्चात माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। फिर भगवान शिव व माता पार्वती को पुष्प पुष्पमाला अर्पित करें, धूप दीप से उनका पूजन करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद उन्हें तांबूल अर्पित करें और इसके लिए आप पान को पलटकर उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, कुछ मीठा रखकर दो पान बनाएं तो तांबूल बनाएं और उन्हें भगवान शिव व माता पार्वती के पास रख दें। उसके पश्चात उन्हें ऋतुफल अर्पित करें, फिर द्रव्य दक्षिणा से उनका पूजन करें। इसके पश्चात चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा का पूजन पंचोपचार विधि से करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद हवन करना चाहिए तो हवन करने के लिए हवन कुंड में आम की लकड़ी सजाएं। हवन करने से पूर्व हवन कुंड की पंचोपचार विधि से पूजन करें और हवन सामग्री में घी, तिल, जौ तथा चावल मिलाकर ओम त्र्यंबकम नमः मंत्र के द्वारा 108 बार आहुति दें। हवन के पश्चात एक थाली में आरती यानी दीपक और कपूर प्रज्वलित करके पहले भगवान शिव की आरती करें और उसके पश्चात माता पार्वती की आरती करें। आरती के पश्चात यदि संभव हो तो सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद वस्तुएं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी आदि का दान करें, ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो ये थी सोमवार व्रत का महत्व, पूजन विधि तथा उद्यापन विधि। नमो नारायण।